कई तरह के ऐसे तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी महात्मा गांधी से जुड़ी हुई, जो कि इससे पहले आपने शायद नहीं देखी होंगी। पहले जो चरखा होता था वो हाथ से चलता था, लेकिन अब मशीन वाले चरखे आ चुके हैं और मशीन से जो है सूत का निर्माण हो रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी एवं सरस मेला का आयोजन किया गया है। 28 दिसंबर आज से इस मेले का आयोजन है और ये 8 जनवरी तक ये मेला का आयोजन मोरहाबादी मैदान में होगा। इस बीच इस पूरे मेले में आकर्षण का जो केंद्र है वो ये गांधी संग्रहालय है। गांधी संग्रहालय में जब आप आइएगा तो आपको बिल्कुल ये एहसास होगा कि आपने कहीं ना कहीं ये जो पूरा राष्ट्रीय खादी और सरस मेला का आयोजन है इसको इसका पूरा का पूरा सारांश आपको इसमें यहाँ दिखेगा। और कहीं ना कहीं कहें तो खादी को किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस गांधी संग्रहालय में गांधी जी से जुड़े हुए कई ऐसे दुर्लभ तस्वीरों को भी लगाया गया है, जिसको आप देखकर काफ़ी जो है रोमांचित होंगे और कहीं ना कहीं आपको अच्छा महसूस होगा। सबसे पहले हम आपको एक व्यू दिखाते हैं इस पूरे संग्रहालय को, जो इस यहाँ पर इसको इसका निर्माण किया गया है। और यहाँ पर जो है प्राचीन जो चरखा है उसको भी यहाँ पर रखा गया है। चरखे के साथ जो सूत है, जिससे चरखे से जिस सूत का निर्माण होता था वो सूत को भी यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कई तरह के ऐसे तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी महात्मा गांधी से जुड़ी हुई, जो कि इससे पहले आपने शायद नहीं देखी होंगी। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो इस संग्रहालय में ज़रूर आएँ। इस संग्रहालय में आपको बहुत ही नायाब तस्वीरें, उस ज़माने की तस्वीरें दिखेंगी जब महात्मा गांधी जी भारत के स्वतंत्रता के लिए जो है अपनी लड़ाई छेड़े हुए थे। सत्य और अहिंसा के दम पर किस तरह से उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, उसकी एक वानगी इन तस्वीरों के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगी। तमाम तस्वीरों में क्या कुछ विशेष है वो भी वहाँ इन तस्वीरों के नीचे दर्शाया गया है। कब की तस्वीरें हैं, तस्वीरें क्या कह रही हैं वो कुछ बताया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो सबसे खास है वो यहाँ पर मॉडर्न चरखा है। मॉडर्न चरखा सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन महात्मा गांधी जी के ज़माने में जो चरखा होता था अब वो मॉडर्न हो चुका है। अब उस मॉडर्न चरखे से किस तरह से इसका उपयोग हो रहा है और किस तरह से सूत का निर्माण हो रहा है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए, ये एक बड़ा चरखा, इसे हथकरघा क्या कहते हैं, हम बात करेंगे इनसे। क्या इसका नाम क्या है? इसका हस्तकरघा हैंडलूम। हाँ, हस्तकरघा ना। इससे क्या निर्माण होता है? इससे कपड़ा बनता है। हाँ, ये तो वही पौराणिक जमाने वाला हथकरघा। हाँ जी जी, तो देखिए पौराणिक जमाने का हथकरघा है और यहाँ आपको लाइव डेमो नज़र आएगा किस तरह से कपड़े का निर्माण हथकरघा के द्वारा होता है। साथ ही साथ आपको हम अब मॉडर्न चरखा को भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि मॉडर्न चरखा भी यहाँ पे लगाया गया। पहले जो चरखा होता था वो हाथ से चलता था, लेकिन अब मशीन वाले चरखे आ चुके हैं और मशीन से जो है सूत का निर्माण हो रहा है। देखिए, इसी चरखे का जिक्र कर रहे थे, देखिए किस तरह से मॉडर्न चरखा जो है अब यहाँ पर जो है जगह ले चुका है और इसे ये किस तरह से चलाया जा रहा है, उसे सूत का निर्माण हो रहा है, हम बात भी करेंगे। ये क्या है, चरखा ही है ना? यस सर, इसे मॉडर्न चरखा हो गया। अंबर चरखा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अंबर चरखा। अंबर चरखा, तो इसमें एक बार में इतना रोल बन जा रहा है क्या? नहीं, एक हैंडल में मतलब एक मीटर धागा निकलता है। अभी 8 बोबिन है तो 8 मीटर निकलेगा। एक बड़े वाले से 8 निकलेगा, एक मीटर, एक अथी में से एक मीटर निकलेगा और 8 में से 8 मीटर। तो ये एक हैंडल चलाने में, एक हैंडल चलाने, जा चला के दिखाइए। इस तरह से यहाँ पर आपको लाइव डेमो मैं आपको किस तरह से सूत का निर्माण होता है, किस तरह से धागे का निर्माण होता है वो नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं खादी को प्रोत्साहित करने के लिए
इस खादी महोत्सव और सरस महोत्सव में इस संग्रहालय को जो निर्माण कराया गया है ये अपने आप में खास है, और आप लाइव जो है इस संग्रहालय के माध्यम से न सिर्फ गांधी जी से जुड़ी हुई तमाम जो उनके यादें हैं वो देख सकते हैं, साथ ही साथ आप सूत, हथकरघा, चरखा उसको भी लाइव दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और आप जब यहाँ पर आए हैं, जब आप इस वीडियो को देखने के बाद इस मेले में आएंगे, आपको क्या अच्छा लगा वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए लगातार बने रहें झारखंड अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।